मिस्टर सिंह प्रोडक्शंस ते गुरबानी कीर्तन टाडी वारा कथा कविश्री वारा लाइव कीर्तन देखन लई हुणे सब्सक्राइब करो अते बेल दी घंटी वजाउणा ना भुलना। वाहे गुरु आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से दिन धन जनेंदी माओ आए सफल से तन 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 जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया जानिया मन का है सो आओ जन के संग जितिया वै नाओ आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार। आनंद गुणी निदान गुरु गरी बनवाज गरी बनवाज चार पदार्थ जे को मांगे चार पदार्थ जे को मांगे चार पदार्थ जे को मांगे साध जनाकी सेवा लागे साध जनाकी सेवा लागे चार पदार्थ जे को मांगे चार पदार्थ जे को मांगे जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सदगावे हर हर नाम हृदय सदगावे चार पदार्थ जे को मांगे चार पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा लागे साध जना की सेवा लागे जे कोई अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सदगावे जे कोई अपनी शोभा लोरे साध संग है हो मैं छोरे साध संग है हो मैं छोरे जे को जन्म मरण तैंडारे साध जना की
सरनी पर साध जना की सरनी पर चार पदार्थ जे को मांगे चार पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा लागे साध जना चार पदार्थ जे को मांगे चार पदार्थ जे को मांगे जिस जन का प्रभ दर्श प्यासा नानक ताके बल बल जासा चार पदार्थ जे को मांगे चार पदार्थ जे को मांगे जे को मांगे जे को कृष्ण ते आई जिस डिठे सब दुख जाए श्री हर कृष्ण ते आई जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरया तेग बहादुर सिमरया कर नौन दियावताए श्री हर कृष्ण दियाए जिस डिठे सब दुख जाए श्री हर कृष्ण दियाए जिस डिठे सब दुख जाए प्रथम भगौती सिमर के गुरु नानक लई ते आए प्रथम भगौती सिमर के नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होए सहाय रामदास कृष्ण ते आए जिस डिठे सब दुख जाए श्री हर कृष्ण ते आए जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमर तेग बहादुर सिमर नौन दे आवे तार नौन दे आवे श्री हर कृष्ण ते आए जिस डिठे सब दुख जाए श्री हर कृष्ण ते आए जिस डिठे सब दुख जाए
अर्जन हर गो बिंदनो सिमरो श्री हर राय अर्जन हर गो बिंदनो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए सब ठाई होए सहाय सब ठाई होए सहाय सब ठाई होए सहाय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए श्री हर कृष्ण ते आए जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिए तेग बहादुर सिमरिए कर नौन दे आवे ताए कर नौन दे आवे ताए श्री हर कृष्ण ते आए जिस डिठे सब दुख जाए श्री हर कृष्ण ते आए जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिए तेग बहादुर सिमरिए कर नौन दे आवे ताए श्री हर कृष्ण ते आए डिठे सब दुख जाए श्री हर कृष्ण ते आए जिस डिठे सब दुख जाए जिस डिठे सब दुख जाए जिस डिठे सब दुख जाए श्री हर कृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए बाला प्रीतम सदगुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज आरंभ किया गया है जिथे साडे अति सत्कार योग जी उस्ताद भुपिंदर सिंह जी बच्चों आके गुरबाणी संगीत की विद्या देंदे ने हारमोनीयम तबला दास भी उन्हां कोलों गुरबाणी का कीर्तन की सिखलाई लैंदा है दो विद्यार्थी ने जिहड़े नाल ये तबले की विद्या उन्हां कोलों प्राप्त कर रहे ने पिछले कई महीनों तो लगातार उस्ताद जी वालों क्लासा ला करके ये महापुरखों का उद्यम उपराला है महापुरखों की सोच है कि प्रचारक ने जिहड़े कौम के जिहड़े रागी प्रचारक वो भी तैयार किए जाण तां जो साडी कौम के अंदर चंगे वधिया प्रचारक चंगे ग्रंथी वधिया ग्रंथी शुद्ध बाणी पढ़न वाले असी बना सकीए। सो अज सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज उन्हां दे प्रकाश दिहाड़े नूं समर्पित ये जिहड़ा समागम इत्थे महीनावारी समागम गुरमत समागम महापुरखों वल्लों सत्कारयोग संत बाबा कुलजीत सिंह जी मुख सेवादार गुरद्वारा शीश महल साहिब सिसवां चंडीगढ़ तो उन्हां दा उद्यम उपराला महापुरखों वल्लों हर महीने किया जाता है। श्री अखंड साहिब प्रारंभ होंदे ने भोग पैंदे ने दीवान सजदे ने महापुरखां ने आप भी संगतां नूं गुरबाणी कीर्तन द्वारा निहाल करना है। 12 बजे तक महापुरखां ने मंडाल विच पहुंच जाना है।
सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज जिन्हों का जन्म 9 सौ 10वीं संमत 1713 बिक्रमी बुधवार सतगुरु गुरु हर राय साहब जी के ग्रह विखे माता किशन कौर की कुखों हजूर का जिहड़ा जन्म है कीरतपुर साहब की धरती से होया सी। 8वें पातशाह सन श्री गुरु हरकृष्ण जी साहब जी ते 5 साल 2 महीने 16 दिन की उम्र विचो 10 कत्तक संबत 1718 नू गुरता गद्दी ते विराजमान होए सन सतगुरु हर राय साहब महाराज दे सचखंड गमन करन तो बाद। ते बड़ी छोटी जी आरबला उन्होंने गुरता गद्दी ते बतीत कीती, कोई बहुता ज्यादा लंबा समा गुरता गद्दी ते विराजमान नहीं रहे। बड़ी वधिया बिरती सतपुरखां वाली बचपन विच सी और बड़ा सहज सुभा सी। एक बार इतिहास दसदा है किसी दिन पालकी च सवार होके सैर करन जा रहे सन ते इक कुश्ती कोड़ दा मारिया ब्राह्मण बिपरां दा सिखाया होया सी ते ओ आके सतगुर दे पालकी दे अगे आ गया कि महाराज आ वेखो मैनू कोड़ दा रोग होया है, किरपा करके मेरा रोग दूर कर दियो। सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज दे कोल ने रुमाल सी, छोटा जिहा रेशमी रुमाल सी ते रेशमी रुमाल उस ब्राह्मण नू दे के सतगुरु कहिंदे कि ब्राह्मण जी इस रुमाल नू शरीर ते फेरिया करो, इनू धो के इहदा पाणी पीओ ते शरीर दा इशनान करो, तंदुरुस्त हो जाओ। कुछ क दिनों में ही ब्राह्मण जिहड़ा सी तंदुरुस्त हो गया ते बड़ी वड्डी महिमा बड़ी वड्डी वडियाई सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब महाराज दी सारे पंजाब दे अंदर फैल गई ते बहुत सारे कोढ़ दे रोगी भी सतगुरु दे कोल आउण लगे। गुरु हरराय साहब महाराज ने दवाखाना खोलिया होया सी कीरतपुर साहब दी धरती ते। जिहड़ी कोई जड़ी बूटी किसी हिंदुस्तान दे दवाखाने विचों नहीं सी ना मिलती, वो जड़ी बूटी कीरतपुर तो गुरु हरराय साहब महाराज दे दवाखाने विचों मिल जाती सी। इन्नियां कीमती बेशकीमती जड़ियां जड़ियां बूटियां सतगुरु ने अपने दवाखाने विच रखियां। इस तरह ही सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज ने वो जड़ियां बूटियां उस तरह गुरु हरराय साहब की तरह ही दवाखाने नूं अगे चलाया ते दवाखाने विच रखियां। बड़ी वड्डी महिमा वड्याई सतगुरु दी सी, पर इस महिमा तो वड्याई तो उन्हां दा वड्डा भरा राम राय अंदरों अंदर ही उहदे ईरखा पैदा होंदी सी भी किसी ना किसी तरीके इन्हां नूं नीवां दिखाया जावे। हुण औरंगजेब दे नाल उहदा बैण उठण सी क्योंकि सतगुरु गुरु हरराय साहिब महाराज दे वेले औरंगजेब ने सतगुरु नूं सद्दा भेजिया सी कि महाराज दिल्ली दरबार विच आके दर्शन दिओ। सतगुरु गुरु हरराय साहब महाराज नहीं सी गए, उन्होंने बाबे राम राय नूं अपने वड्डे सपुत्र नूं भेज दिता। उन्हां नूं पता सी भी औरंगजेब करामातां देखेगा ते महाराज ने जाण वेले हर राय नूं कह दिता पुत्र कोई भी काम तैनूं औरंगजेब कवे ब्याह करके दिखाओ, आओ करो, घबराउणा नहीं, गुरु नानक दा नाम लैके कर दिओ, हो जाएगा, गुरु नानक साहब सहाई होणगे। इतिहास लिखदा है 72 करामातां
बाबा राम राय ने औरंगजेब के दरबार में बादशाह औरंगजेब नूं दिखाईआं 72 करामातां 72 शक्तियां दे नाल औरंगजेब नूं प्रभावित कर दिता। ओ इंप्रैस हो गया भी गुरु नानक दा घर बड़ी शक्ति दा मालक है। उन्हें एक सवाल किया भी मैं तुहाडी कहिंदे बाणी सुनी है, गुरु नानक साहब ने एक बाणी आसा दी वार उचारण कीती है, उहदे विच कहिंदे गुरु नानक साहब ने मुसलमानां नूं नीवां थां दित्ता, निव्याया है, वड्याया नहीं है। कहिंदा उत्थे गुरु नानक साहब ने लिखिया है भी मिट्टी मुसलमान की, पेड़े पे कुम्हार, घड़ भांडे टंगियां जल्दी करे पुकार, जल जल रोवे बपुड़ी, चढ़ चढ़ पवे अंगिया। क्योंकि पहले समय दे विच कड़े होर बड़े मिट्टी दे बर्तन बनाए जांदे सी, ते जिहड़े कुम्हार हुंदे सी ना कबरां दी मिट्टी पुट के लियांदे हुंदे सी, भी कबरां दी मिट्टी जिहड़ी है ना, कबरां दी मिट्टी दा बनिया होया भांडा, बनिया होया कड़ा जां कुंभ, उहदे विच रखिया जल ज्यादा ठंडा हुंदा है ते उहदी उम्र भी ज्यादा हुंदी है। इस करके महाराज ने उदाहरण दे दी भी उन्होंने उत्थे दफनाया है, ते उसे कबरां दी मिट्टी जिहड़ी है वह कुम्हार ला के भांडा बनाउंदा, घड़ भांडे टांगियां इट्टां बनाईयां जल्दी अग विच पाया गया, अग दित्ती गई ते उहदे विच ओह मिट्टी जल्दी होई पुकार करदी है। राम राय कहिंदा बादशाह सलामत, महाराज ने तो लिखिया सी मिट्टी बेईमान की, ये तो सिखां ने वधा चढ़ा के तुहाडे खिलाफ मुसलमानां ने लिख दिता है, गुरु नानक साहब ने नहीं लिखिया, पंगती बदल दित्ती। गुरु हर राय साहब महाराज नूं जिहड़े सिख नाल गए सी दिल्ली, उन्हां चिट्ठी लिख के भेज दित्ती, महाराज तुहाडे पुत्तर ने 72 करामातां दिखाईआं, असीं नहीं बोले, पर हुण ते हद ही हो गई। उन्होंने गुरु नानक साहब की बाणी की पंक्ति बदल के रख दी। गुरु हर राय साहब महाराज ने फिर उतो ही हुक्म दे दिता भी अज तो बाद राम राय साडा पुत्र नहीं है, तो असी राम राय के बाप नहीं है, जिंदगी जिनी देर तक साढ़े सुहास ने साढ़े मथे ना कदे राम राय लगे। ते औरंगजेब ने फिर राम राय नूं जगीर दित्ती बड़ी वड्डी देहरादून दी, उत्थे बना बिठाया। हुण उत्थों बैठा है औरंगजेब नूं चिट्ठियां लिखदा है, गद्दी दा ते दावेदार बनदा सी भी मैनूं गद्दी मिलनी चाहीदी है पर मिली नहीं। कहिंदा भी तुसी मेरे छोटे भरा नूं जिहड़ा गुरदा गद्दी ते गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी विराजमान ने उहनां नूं दिल्ली सद्दो अपने दरबार। औरंगजेब कहिंदा है भी जिन्ने मर्जी तू जोर ला ला, राम राय गद्दी नहीं तेनू मिल सकती, एवें गद्दी दा लालच ना कर, गुरु नानक शाह फकीर दी गद्दी है, इहदे ते बैठण वाले त्यागी वैरागी ने, जे तू चाहना है तेनू लालच है मैं पैसा दे देना, तेनू होर दो जगीरां दे देना, पर ऐसा काम ना मेरे कोलो करवा। वह कहिंदा नहीं जी तुसी बुलाओ। औरंगजेब ने फिर एक दयाल चंद सी उहनूं आखिया, दयाल चंद ने फिर राजा जय सिंह जी राजस्थान रियासत दे राजे सी, राजस्थान इलाके दी रियासत दे, उहनां नूं फिर भेजिया उहनां ने, जिन्हां दे जिथे अज गुरुद्वारा बंगला साहिब है ना, ये राजे जय सिंह का बंगला सी, उत्थे दा निवास सी, उत्थे फिर उन्हें महाराज का निवास रखिया सी राजा जय सिंह ने, वो एक हिंदू राजा सी। वो फिर कीरतपुर सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज नूं लैण आया, बड़े प्रेम सत्कार भावना दे नाल सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज नूं कुछ सिखां नूं नाल लैके वधिया रथ ते सवार होके सतगुरु दिल्ली नूं चले। संगतां दे अंदर बड़ी बेबलताई हो गई, बड़ा प्रेम सतगुरां दे चरणां प्रति,
बड़ा वैराग हिरदे विच आ गया भी महाराज छले ने हुण की बनेगा। ते माता किशन कौर जी भी बड़ा वैराग कर रहे ने भी सतगुर जा रहे ने पंजोखरा साहब तक, अंबाले दी परगना है पंजोखरा, उतों तक संगत नाल ही चली गई सतगुर दे कि महाराज असी तुहाडे तों बिना रह नहीं सकते। फिर महाराज ने उत्ते कुचे रेत दे टिले ते एक झंडा गढ़ के डंडा गढ़ दिता भी जेड़ा इस तो अगे साडे नाल आवेगा ना वो साडा सिख नहीं होएगा, उन्नू गुरसिखी नहीं मिलेगी, वो गुरसिखी तो वांझा रह जाएगा जेड़ा इस तो अगे आएगा। इत टिले तो ही मत्था टेक के पिछे मुड़ जाओ, जे टिले तो ही मत्था टेक के पिछे मुड़ जाओगे तो सिखी सदा सलामत रहेगी। संगतान प्रेम वस हो के सतगुरां दा बचन सी उत्थे ही वापस जान लगी। उत्थे फिर पंजोखरे ने पर उत्थे परगने च हजूर ने अपना आसा लाया सी। एक लाल चंद नाम दा ब्राह्मण जदों सतगुर दा नाम सुनिया, छोटी जी अवस्था है, 7 साल दी उम्र, 8 साल दी, कहिंदा भी ना ते इन्हां ने भगवान कृष्ण नालों भी वड्डा रखा लिया हर कृष्ण, उम्र छोटी जी है, उन्हां नूं ज्यादा वड्याई अपनी कराउंदे ने। मैं ते तां मन्नांगा भी जे उन्हां दी उचारण कीती होई गीता दे मैनूं अर्थ सुना देना। सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज नूं पता लगा, उन्हूं पंडित ब्राह्मण लाल चंद नूं बुलाया गया, कहिंदे लाल चंद किड्डी की गल है, तूं जिहदे कोलों कहेगा गीता दे अर्थ उहदे को करा दांगे, जा बंदा लभ लिया। हुण लाल चंद गया एक बिल्कुल पिंड दा नखिद बंदा जिहनूं सारे कमला चला कहिंदे ने, छज्जू चीवर, मैले कचैले कपड़े पाए ने, ना तन दी सोधी है ना शरीर दी सोधी है, ना खाण दी ना पीण दी। लै आंदा महाराज दे कोल, सिखां नूं महाराज कहिंदे ने इशनान कराओ, साफ वस्त्र पवाए। इशनान करके साफ वस्त्र पहना के हजूर दे कोल बिठाया। सतगुर दे कोल ने एक छड़ी हुंदी सी छोटी जी, कीर्तपुर साहब तो नाल ही रखते होंगे सी, जिहदे ते किरपा करनी तो उहदे सिर ते हजूर छड़ी रख दिंदे हुंदे सी, ते महाराज दे कोल लै आए ते सतगुर ने छड़ी छज्जू चीवर दे सिर ते ला के आखिया गीता दे सलोकां दे अर्थ कर। सतगुर समर्थ ने, सतगुर को समर्था वाले ने सतगुर, ऐसे कृपा दा समर्था दी छड़ी छज्जू चीवर दे सिर ते रख दी, ते छज्जू चीवर ने इन्ने बा कमाल गीता दे अर्थ कीते ना कि पंडित ब्राह्मण लाल चंद हैरान हो गया ते सतगुरां दे चरनी टै पिया कि ठीक तुसी समर्था दे मालक हो, मैं ते केवल यही सोचदा रहा भी बालक जिहा हैगा है, नाम इन्ने हर कृष्ण रखा लिया है, ते पता नहीं कृष्ण दी उचारण कीती हुई गीता दे अर्थ भी आउंदे कि नहीं आउंदे। फिर सतगुरु दिल्ली दी धरती ते गए, राजे जय सिंह दी राणी दे घर पुत्र नहीं सी हैगा, उहने अपनियां गोलियां नूं भी ना अपने कपड़े पहना के पवा के ते बैठ गए सतगुरां दे कोल, ते मन दी भावना सी भी सतगुर मैनूं पहचानणगे। महाराज जदों गए छड़ी कोल सी, गोलियां दे सिर ते छड़ी लाउंदे ने, कहिंदे इह वी नहीं इह वी नहीं, फिर अखीर राजे जय सिंह दी राणी दी झोली विच सतगुर जाके बैठ गए, कहिंदे इह राणी है राजा जय सिंह। ऐसी किरपा सतगुर दी होई, फिर आउंदे साल राजा जय सिंह दे घर पुत्र ने जन्म लिया।
अज तुसी गुरुद्वारा बंगला साहब के दर्शन करते हो ना, यह बंगला राजा जय सिंह का सी जिथे सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज निवास किया है। चेचक की बीमारी उन्होंने समय च दिल्ली च फैल गई सी। महाराज ने चेचक के रोगियों की संभाल की। अज भी सतगुरु उत्थे झोलियां भरते ने जिन्हां दियां गल ते हुंदी ने शरदा की भावना की। कई बार उत्थे बंगला साहब दर्शन कर जाइए तो ना बाहर जल देंदे ने महाराज की जिहड़ी उत्थे जिहड़ी खूही सी राजा जय सिंह की, जिथे महाराज इशनान करते रहे जिहदा जल वरतते रहे। कई बार वेखी दा उत्थे मुसलमान भरा भी ना जल फड़ के खड़े हुंदे ने। एहो जे नेता प्रति ऐसे मुसलमान वीर ने जिहड़े उत्थे रोज आके श्रद्धा नाल हाजरी भरते ने, जल छकते ने, जिन्हां दे अज भी दुख दर्द सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज दूर करते ने। संत बाबा करतार सिंह जी खालसा भिंडरा वाले महापुरख वचन करया करते सी जदों वह कथा विद्यार्थियों सिखाते होंगे सी ना, तो उन्होंने वचन होंगे सी कहिंदे जदों कथा करनी होंगी ना तो स्टेज ते बह के इन्ना वचन करया करो गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी, तुसी एक कमले दे सिर ते छड़ी रख के उन्हां को गीता दे अर्थ करवा सकते हो ते साडे भी सिर ते मेहर भरिया हाथ रखे। ते कहिंदे महाराज अंग संग सहाई होड़। इस तरह ही फिर दाता सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब महाराज ने वरताइया ने, तो हुण उही महापुरख संत सचखंड वासी ब्रह्म ज्ञानी महापुरख संत बाबा करतार सिंह जी भैरो वाजरे वाले महाराज उन्होंने अगे अपनियां बख्शिशा अपनी कृपा सत्कार योग महापुरख संत बाबा कुलजीत सिंह जी उन्होंने झोली च पाईआं कि तुसी ओ दाता ओ रहमतां संगतां नूं वंडो, संगतां दा भला करो। ते महापुरख पारोपकार विच लगे हुए ने, भावें इस इलाके का बहुता कोई सहयोग नहीं महापुरखां नूं हैगा। जदों तो इस स्थान की सेवा शुरू हुई है 3 साल मिंदास नूं इत्थे हो गए ने महापुरखां दे वचन दे अनुसार सेवा निभाउंदिआं नेड़े तेड़े नगरां पिंडां विच जा के संगतां नूं प्रेरीदा है आखीदा है बहुत, पर पता नहीं इस इलाके दे माड़े भाग ही कह लईए भी हर महीने गुरमुख समागम हुंदा है, महापुरख आउंदे ने, दीवान सजदे ने, लंगर चलदे ने और अखंड पाठ साहिब प्रारंभ हुंदे ने। कोई विरला ही है जिहदे ते किरपा हुंदी है ना, ये किरपा दी निशानी हुंदी है। कई बारी गुरुद्वारे दे नाल कंध सांझी हुंदी नहीं तां मत्था नहीं टेकण जाया जांदा। कंध सांझी हुंदी गुरुद्वारे दे नाल घर दी, पर मत्था नहीं टेकण जाया जांदा क्योंकि किरपा ही नहीं होई। तो जिन्हां दे किरपा होई उही चल के आउंदे ने, महापुरख उद्यम उपराला करदे ने क्योंकि महापुरख दा बिरध हुंदा है सतगुरु दा भी वचन है, जोड़न हारो संत नानक पांधर पधरो। संत दा काम ही जोड़ना है। संत ने कदी नफा घाटा ये गल्लां नहीं वेखदा, साधु नहीं तकदे। नहीं तो मैं कई बारी चलो आपां नां नहीं लैणा स्टेजां ते, कई इहो जिहे भी हुंदे ने जिहड़े कहिंदे भी जिथे आपां नूं लाभ होवेगा ना, फायदा होवेगा, नफा, उत्थे ही आपां कोई प्रोग्राम करिए, उत्थे ही आपां दीवान लाईए जिथों कितें 4 पैसे आउंदे उड़ गए। पर महापुरखां दा इहो जी सोच बिल्कुल नहीं है। वेखो अज 100 रुपये लीटर तेल है डीजल, 4,445 दा तेल गड्डियां खांदियां चंडीगढ़ तों इत्थे आउण दा जाण दा, ते महापुरख 2-3 गेड़े महीने विच इत्थे लाउंदे ने। सेवा चल रही है जो गुरमत विद्यालय चल रहे उहदे वास्ते क्लासरूम तैयार हो रहा जिथे बच्चों नूं गुरबाणी की संथ्या और गुरबाणी के कीर्तन की सिखलाई दी जानी है, नाल बच्चों की रिहायशी कमरे बन रहे हैं। ये सारा उपराला महापुरख कर रहे हैं अपनी जेब विचों और देश विदेश दी संगतां दे सहयोग दे।
ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਦਾ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖ ਕੇ ਗਾਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਢੇਰੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉੱਥੋਂ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਆ ਕਰੀਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਸਕੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗ ਰਖਾਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਲਵੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ ਕੇਵਲ ਅੱਜ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਓ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਇ ਜਿਸ ਡਿੱਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਇ ਜਿਸ ਡਿੱਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਕਰ ਨਾਉ ਨਿੰਦਿਆਵੈ ਤਾਰ ਨਾਉ ਨਿੰਦਿਆਵੈ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਇ ਜਿਸ ਡਿੱਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਇ ਜਿਸ ਡਿੱਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਇ ਜਿਸ ਡਿੱਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਇ ਜਿਸ ਡਿੱਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਬੋਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਕ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਬੋਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਸਾਰੇ ਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਆ ਦੇ ਦੇਹੋ ਸਜਨ ਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਮੇਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।